एक तरफ जहां भाजपा राम मंदिर के मुद्दे पर सवार होकर लोकसभा चुनाव की नैया पार लगाना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए में उसके सहयोगी इस मुद्दों को लेकर एक-एक कर किनारे कर रहे हैं। इसी क्रम में अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने के लिए अध्यादेश लाए जाने के मुद्दे पर एनडीए में भाजपा के अहम सहयोगी जदयू ने अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली है। जदयू ने साफ कहा है कि भाजपा इस मुद्दे पर कोई अध्यादेश नहीं ला सकती है। पार्टी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि राम मंदिर पर हमारा रुख साफ है। उन्होंने कहा कि 1996 में जब समता पार्टी थी और उस समय जब भाजपा के साथ समझौता हुआ था, तब भी और आज भी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है। इस पर हम अपना स्टैंड नहीं बदल सकते। यह काम या तो कोर्ट के फैसले से होगा या आपसी सहमति से होगा। इसका तीसरा कोई विकल्प नहीं है। कह चुके हैं, फिर बता दे रहे हैं, 1996 में उसमें समता पार्टी जब थी और जब समझौता हुआ था भाजपा के साथ, ये महत्वपूर्ण मुद्दे आज अयोध्या में मंदिर निर्माण का, राम मंदिर निर्माण का, उसमें हमारी पार्टी का स्टैंड बहुत स्पष्ट है, पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। वो ये है, इसका इस मसले का निपटारा या तो कोर्ट के आदेश से हो या आपसी सहमति से हो, कोई तीसरा विकल्प नहीं। गौरतलब है कि गुरुवार को एनडीए के एक अहम सहयोगी एलजेपी ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा का साथ नहीं देने की बात कही थी। पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा था कि कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वह माना जाएगा, किसी अध्यादेश का समर्थन नहीं किया जाएगा। चिराग ने सीधे तौर पर कहा है कि एनडीए का एजेंडा हमेशा विकास का रहा है और जब इस पर राम मंदिर या हनुमान हावी होने लगे तो कहीं न कहीं जनता एजेंडे से भ्रमित और आपसे निराश होने लगती है। दूसरी तरफ उस पर जमानत जब्त हो गई जेडीयू की, क्या मानते हैं कि आपकी क्षमता अगर बिहार में हो तो बिहार से बाहर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? देखिए, हर राजनीतिक दल चाहता है कि अपना विस्तार करे, वो चाहता है कि अलग अलग राज्यों में वो भी चुनाव लड़े। धीरे धीरे तभी आपका जनाधार बढ़ता है जब आप चुनाव लड़ते हैं, धीरे धीरे और लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि हर राजनीतिक दल इसके लिए स्वतंत्र है कि वो कहाँ पर चुनाव लड़ना चाहे। बीजेपी की कई मंत्री विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए। देखिए, जिस तरीके से परिणाम आए, डेफिनेटली मंथन करने की जरूरत है कि क्यों इस तरीके से आए। बट इतना मैं जरूर कहूंगा ईमानदारी से कि जहां जिन जिन राज्यों में 15-15 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही है, खासतौर पर अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें जहां पर 15 साल से शिवराज जी की सरकार रही, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उसके बावजूद इन टर्म्स अगर आप वोट परसेंटेज अगर आप देखें, उतना ही वोट परसेंटेज है जितना कांग्रेस को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हम लोग कोई निराश होने वाली बात है या ये समझने की बात है कि भैया भारतीय जनता पार्टी का जनाधार खत्म हो गया या मोदी लहर खत्म हो गई। 15 साल के बाद भी अगर आप इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं राजस्थान की अगर आप बात करें तो शुरू में कहा जाता था भारतीय जनता पार्टी को 20-22 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी, पर उसके बावजूद आप 73 का आंकड़ा आप टच करते हैं तो प्रदर्शन अच्छा रहा। छत्तीसगढ़ में जरूर और थोड़ी सी निराशा हुई है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट आया, बट बहरहाल इन किसी भी परिणाम का असर मुझे नहीं लगता 2019 के चुनाव में पड़ेगा, 2019 का माहौल अलग होगा। आप भी कहते रहे, आपके पिताजी भी कहते रहे, 2015 से क्या बीजेपी ने सबक नहीं लिया? 2015 में जिस तरीके से आरएसएस प्रमुख ने एक बयान दिया, उसके बाद से करारी हार हुई बिहार में, वही उसी तरीके से बयान बलि और हनुमान और महाबली की बात होती है, क्या बीजेपी सबक नहीं लेती हार से? देखिए, सबक लेने वाली बात नहीं है, बट हाँ ये अब समझने की जरूरत जरूर है कि चुनाव का आपको एजेंडा सेट करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर एनडीए का जो मोटो रहा है वो हमेशा डेवलपमेंट रहा है। कहीं ना कहीं जब इस पर राम मंदिर, इस पर हनुमान, इस तरीके से जब हावी होने लगता है तो जनता भी कहीं ना कहीं एजेंडे से भ्रमित होती है और आपसे निराश होती है, क्योंकि आपसे वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। पर मुझे लगता है कि ठीक है, एक हल्की सी एक चोट लगी है जो आने वाले 2019 के चुनाव में हम लोगों को और सतर्क करेगी। राम मंदिर, दूसरी तरफ भाजपा नेता लगातार हर हाल में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि राम मंदिर भाजपा का कोर इशू बना हुआ है। ऐसे में सहयोगी दलों की राह अलग होने के बावजूद राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा के 2019 का चुनावी रन जीतने की राह आसान नहीं होगी। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए नियाज आलम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।